भयानक गर्मी के मौसम में अंदर मस्त एसी की ठंडी हवा का मजा ले रहे हो तो जिंदा हो तुम। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की सही जानकारी के लिए इजी इलेक्ट्रॉनिक्स का चैनल देख रहे हो यूट्यूब पे तो जिंदा हो तुम। कन्वर्टिबल एसी लाके एक्स्ट्रा फीचर के नाम पे एक्स्ट्रा पैसे देके खुश हो रहे हो तो बेवकूफ हो तुम। हम हिंदुस्तानी कस्टमर को कुछ शब्द जैसे फ्री, टू इन वन, थ्री इन वन, एक पे दो फ्री, दो पे तीन फ्री, चार के साथ पांच फ्री, इस तरह के शब्द शुरू से अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। लेकिन फिर तुम लोग हो गए समझदार और कंपनियां हो गई तुमसे भी चार हाथ आगे। फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, वही पुरानी चीज को नए पैकेज में इंट्रोड्यूस कर दिया। टूथपेस्ट में वापस से आ गया नमक, पानी में तांबा, तुलसी, हल्दी, नीम, पता नहीं क्या क्या आ गया, साबुन में दूध, पनीर, खोया, ये सब मिल गया। और इन्वर्टर एसी में कन्वर्टिबल एसी घुसा के तुमको चिपका दिया। अब देखो, ये कोई खराब फीचर तो नहीं है सच बोलूं तो, लेकिन कुछ खास काम के भी नहीं है। आजकल कंपनीज में कन्वर्टिबल एसी की वॉर स्टार्ट हो गई है एक दूसरे से अपने आप को बेटर साबित करने के लिए। अब कोई 3-in-1 निकाल रहा है तो कोई 4-in-1, कोई 5-in-1 तो 6-in-1, तो लोग 7-in-1 तक भी पहुंच गए हैं। लेकिन सच बताऊं यार, ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है और कुछ नहीं। आओ इस वीडियो में समझाता हूँ कैसे, ताकि आगे से आप सही फैसला ले सको और इस तरह के मार्केटिंग गिमिक में दोबारा कभी ना फंसो। देखो, तुम सब ने मैनुअल कार तो चलाई होगी ना, मैनुअल बाइक भी चलाई होगी, मैनुअल स्कूटर भी चलाया होगा। उसमें क्या करना होता था, अपने अंदाज से गियर को चेंज करना होता था। बट टाइम बदल गया है, अब टाइम है ऑटोमेटिक कार्स का, जिसमें कन्वीनियंस के हिसाब से गाड़ी अपने हिसाब से गियर बदल लेती है। अब अगर कार कंपनी ये बोले कि इसमें एक एडिशनल फीचर आ गया है जिसके लिए आपको 5-10 हज़ार बताए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे और इसमें एक वो मैनुअल गियर लगा देंगे, तो क्या ये फीचर सही है, क्या ये फीचर के लिए ऑप्ट करोगे? अब भाई, जिस कन्वीनियंस के लिए ऑटोमेटिक कार ली है उसी को किल करने के लिए 5-10 हज़ार लेके मैनुअल गियर लगाओगे तो ये कहां की समझदारी है? जब कार ऑटोमेटिकली गियर खुद से चेंज कर लेगी तो तुम्हें मैनुअली चेंज करने की जरूरत ही क्या है? ठीक उसी तरह इन्वर्टर एसी भी ऑटो कन्वर्टिबल होते हैं। एक 1.5 टन का एसी अपनी टनेज को वेरी कर सकता है 1.5 टन से लेके 0.2 टन तक, डिपेंडिंग अपॉन आपके रूम का साइज, टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर। शायद इसीलिए इन्वर्टर एसी को वेरिएबल स्पीड एसी भी बोलते हैं, और हमारे पुराने जो नॉन इन्वर्टर एसी आते थे उनको फिक्स स्पीड बोला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही टनेज पे लगातार काम करते हैं। तो जो काम एसी ऑटोमेटिकली कर सकता है उसे तुम्हें खुद करने का क्या शौक है? अगर इतना ही शौक है एक्स्ट्रा काम करने का तो घर पे कपड़े और बर्तन धो लेना, इसी बहाने बाई का थोड़ा सा खर्चा भी बच जाएगा। नहीं समझ में आया कैसे? आओ मैं समझाता हूँ कन्वर्टिबल मोड होता क्या है। तो आपके कन्वर्टिबल एसी के रिमोट में एक अलग से बटन दिया होता है जिसे प्रेस करके आप अपने एसी के टनेज को वेरी कर सकते हो, मतलब 1.5 टन के एसी को अपने मन के हिसाब से 1.25 टन, 1 टन, 1/2 टन, जितना मन चाहे बना लिया। तो 1.5 टन के एसी को 1 टन बना के आप बहुत खुश हो गए कि आपने इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग कर ली और बहुत बचत कर ली। लेकिन तुम लोग हो मासूम, कंपनी ने बनाया और तुम बन गए। ऐसा एक्चुअल में होता बिल्कुल भी नहीं है। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। तो आओ तुमको बहुत जल्दी बता देता हूँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट की कन्वर्टिबल एसी, इन्वर्टर इनफैक्ट एसी कैसे काम करता है। तो इन्वर्टर एसी अगर आपके पास है और आपके रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री, 1.5 टन के एसी को आपने सेट कर दिया है 24 डिग्री पे, तो इन्वर्टर एसी क्या करेगा, जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर डाउन होगा यानी 30 डिग्री से 28 डिग्री होगा, वो अपनी टनेज को भी उसी अकॉर्डिंग घटा लेगा और डिजायर्ड टेम्परेचर, जो कि अगर हम मान लें आपने 24 डिग्री सेट किया है, तो उस टेम्परेचर पे पहुंच के एक इन्वर्टर एसी ऑटो कन्वर्ट करके अपने आप को 0.2 या 0.3 टन पे वर्क करेगा मात्र 400-500 वाट की बिजली लेके, और उस टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मैनेज रखेगा। तो जहाँ 1.5 टन की एसी अपने आप को ऑटो कन्वर्ट करके तुम्हारे कमरे को 1 घंटे में ठंडा कर देती, बट तुमने ज़्यादा दिमाग लगा के 7-in-1, 6-in-1 वाला कन्वर्टिबल एसी खरीदा था ना, और उसे सेट कर दिया 0.5 टन पे ये सोच के कि मैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग कर लूँगा, तो वहीं तुम बेवकूफ़ बन गए। 1.5 टन का एसी ऑटो कन्वर्ट करके जिस कमरे को 1 घंटे में ठंडा करेगा, 0.5 टन का करके तुमने उसे फिक्स्ड स्पीड यानी नॉन इन्वर्टर एसी में बदल दिया, और अब वो 0.5 टन पे ही तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारे कमरे को डिजायर्ड टेम्परेचर पे सेट नहीं कर देता। इसका मतलब है 1 घंटे से बियॉन्ड चलेगा, हो सकता है 2-3 घंटे भी चल जाए, तो बिजली की बचत हुई कहाँ आखिर? कन्वर्टिबल एसी ला के एक्स्ट्रा फीचर के नाम पे एक्स्ट्रा पैसे दे के खुश हो रहे हो तो बेवकूफ हो तुम। तो कंक्लूजन क्या है? लो भाई, एसी लो, गर्मी आ रही, अच्छे फीचर वाले एसी लो, बिल्कुल लो, कन्वर्टिबल एसी लो, ऑटो क्लीन वाले लो, फिल्टर वाले एसी लो, लेकिन ये 3-in-1, 4-in-1, 6-in-1, 7-in-1
के चक्कर में अपने जेब से एक्स्ट्रा पैसे बिल्कुल भी मत खर्च करो। अगर नॉर्मल एसी के दाम में आपको ये फीचर मिल जाते हैं तो बिल्कुल ले लें। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अच्छे नागरिक की तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सही समय पे ज्ञान ही काम आता है और ज्ञान देने में तो तुम्हारा भाई एक्सपर्ट है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप देख रहे थे इजी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल। हैव अ गुड डे एवरीवन। आपका दिन शुभ हो।